नमस्कार दोस्तों, ये प्लांट वर्ड चैनल है और मैं हूँ धर्मवीर सिंह। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में आपको नींबू के पौधे पर गुट्टी चलाने के बारे में बताया था। ये वो पौधा है नींबू का जिस पर हमने गुट्टी चलाई थी। वो देखो ये दोस्तों, ये गुट्टी है, बहुत ही आसान तरीके से आप बताया था ये गुट्टी है। हम इसके ऊपर किया था, देखो दोस्तों, हम इसको यहाँ से काटते हैं। ये वो गुट्टी है जिस पर हमने गुट्टी चढ़ाई थी। और दोस्तों, इसको अब हम इसी छल्ली के अंदर फिट करते हैं। दोस्तों, ये गुट्टी है, ये हम काट के लाए हैं। दोस्तों, हम इसको चाहे तो हम सीधी ज़मीन में काट सकते हैं, परंतु देखो इसको हम इसके अंदर, ये जो पॉलिथीन था ऊपर, इसको हम कट करते हैं धागा धागे से जो हमने बांध दिया था, उसको कट करके उतारते हैं। ये पॉलिथीन जो प्लास्टिक है, हमें उसको उतार देना चाहिए सावधानी पूर्वक। दोस्तों, इसके अंदर ये रूट्स, बहुत बारीक बारीक रूट्स निकले आई। अब हम इसको चाहे तो हम ज़मीन में लगा सकते हैं, या हम इसको अगर हम बेचने के लिए, पौधे को बेचने के लिए यूज़ करते हैं। ये आधी मिट्टी और आधी खाद का जो मिश्रण है, इसके अंदर हम लगा देते हैं इसको। आधी खाद और आधी मिट्टी का मिश्रण है। ये दोस्तों, नींबू का एक पौधा बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। जिन दोस्तों को अपने घर में लगाना है, वो सीधा डायरेक्ट इसको जमीन में जो गड्ढा तैयार कर रखा है उसके अंदर लगा सकते हैं, या हम बेचने के लिए तैयार करते हैं तो इस तरह हम इनको पॉलिथीन के अंदर, या कोई भी यूजलेस आपके पास पॉलिथीन है उसके अंदर लगा दीजिए, और कुछ दिन के बाद जो फुटाव ले लेगा तो हम इसको बेचने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है, इसके अंदर कुछ भी अलग से खर्चा नहीं आता। ये कुछ दिन के बाद अच्छी तरह फुटाव ले लेगा और पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आशा है आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।